तो हमें यहाँ पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मंदिर है जो कि इनकम्प्लीट है, भोपाल सिटी से 32 किलोमीटर दूर। और वो रही गाइस शिव भगवान की मंदिर जो कि काफी बड़ी है, देख रहे हो कि दुनिया के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक होती। लेकिन और यहाँ से भोपाल के भोजपुर का कुछ ऐसा व्यू है, देख रहे हो काफी खूबसूरत व्यू है। और ये रहा भगवान शिव का मंदिर। तो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज भोपाल के फिर से एक नए जर्नी के लिए हम सभी निकल चुके हैं, मैं और मेरा दोस्त है, इस बार अमनदीप नहीं है। एक्चुअली ये दोस्त मेरा ट्रेन में बना जो कि उड़ीसा से है। तो फिलहाल गाइज फिर से एक टूरिस्ट स्पॉट पे आया हूँ, और जिस जगह पे आया हूँ ना घूमने के लिए वो कोई नॉर्मल ऐसा जगह नहीं है, बल्कि भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मंदिर है जो कि इनकम्प्लीट है, यानी पूरी तरह से बनी नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल सिटी से 32 किलोमीटर दूर आपको ये मंदिर पड़ती है, और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बस के थ्रू आना पड़ता है, बस के जरिए। फिर उसके बाद बस से आपको एक जगह पे उतार देगा जहाँ पर आपको टेम्पो करके आना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग। तो गाइज वो रहा बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर। फिलहाल यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ जिसके चलते आप सही से देख नहीं पा रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर चढ़ाई करनी पड़ेगी पहले। और वो रही गाइस शिव भगवान की मंदिर जो कि काफ़ी बड़ी है, देख रहे हो। इसकी खासियत मैं आपको वहां पर जाने के बाद बताऊंगा। और ये मेन चौराहा है जहां से मंदिर की शुरुआत होती है। देखो कितने लोग आए हैं घूमने के लिए, यहां पे ढेर सारी दुकानें हैं, देख रहे हो। और यहां पे फ़ोटो लेने में बिजी है। फिलहाल गाइस मंदिर की एंट्री गेट वहाँ पर है, और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। देखो यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से आए थे नीचे से, देख रहे हो। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको शिव भगवान की मंदिर को दिखाते हैं और शिवलिंग को भी दिखाते हैं। तो यहाँ से देखो कुछ ऐसा व्यू है, और यहाँ पे गार्ड है भाई साहब। और वो रही शिवलिंग यानी शिव भगवान की मंदिर, शिवलिंग उसके अंदर में है, देख रहे हो कितनी बड़ी मंदिर है। तो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, देख रहे हो। और यहाँ पे शिव मंदिर भोजपुर, जिसे भुजेश्वर मंदिर कहते हैं। और यहाँ पे दादाजी देखो छाता लगा के बैठे हुए हैं धूप से बचे हुए। दादाजी और उधर चल जाइए, धूप लग रहा है, तो और उधर चल जाइए, छा में चल जाइए, छा में। तो गाइज अभी की टेम्परेचर बताऊं तो 41 डिग्री है आज, यानी कंपैरिजन टू प्रीवियस डे, यानी मैं जब सांची के स्तूप को देखने गया था तो उस समय टेम्परेचर 39 डिग्री थी और आज 41 डिग्री है। गाइज ठीक मेरे पीछे देखो भगवान शिव की मंदिर है, और इसके बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जब इस मंदिर को बनाया जा रहा था तो पता नहीं क्यों क्या हुआ, पता नहीं कोई आज तक जानता नहीं है कि इस मंदिर को अधूरा ही बना के छोड़ दिया गया। और अगर इस मंदिर को पूरा बना दिया गया होता, यानी कंप्लीट कर दिया गया होता ना, तो ये दुनिया की वन ऑफ द, या यू कह सकते हैं कि ये भी दुनिया के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक होती। लेकिन ये मंदिर पूरा नहीं है, जैसे कि आप उसके टॉप पे देखो गुंबद यानी जो भी होता है उसका अभी आधा अधूरा ही है, यानी उसे इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया गया था। अब इसका रीज़न क्या था इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो फिलहाल चलते हैं अब इसके ऊपर, मंदिर के ऊपर, और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अभी फिर बताऊंगा। तो पहले आपको मंदिर का टूर, पहले मैं आपको मंदिर दिखाता हूं और आसपास के जो अच्छे नज़ारे हैं, अच्छे व्यूज़ है ना, वो आपको मैं दिखाता हूं। प्लीज़ रिमूव योर शूज़ हेयर। तो यहां पे हमें जूता निकालना पड़ेगा। तो गाइज एक पोपट हो गया है कि यहाँ पे जो मेरा दोस्त है ना वो सॉक्स नहीं पहना, मैंने तो पहना है। ये जैसे ही पत्थर पे पैर रखा इसका पैर जलने लगा है। तो चलेगा नहीं ऊपर एक बार, चलो देखे एक बार, जाओ जल रहा है जल्दी जाओ भाई, सॉक्स नहीं पहना ना गाइज। तो गर्मी के टाइम में यही होता है, पत्थर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। फिलहाल गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, और तो पत्थरों का ही बना हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पैर रखा नहीं जा रहा है। फिलहाल मैंने सॉक्स पहना था। ये रहा भगवान शिव का मंदिर, और वहाँ बीच में देखो हमारे शिव भगवान यानी शिवलिंग है, और यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ से भोपाल के भोजपुर का कुछ ऐसा व्यू है, देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत व्यू है।
और जैसा कि मैंने आपको हर ब्लॉग में बताया कि भोपाल में सिर्फ पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि वहाँ पे देखो बहुत ऊंची पहाड़ है और हम लोग वहाँ नीचे से आए, जो देख रहे हो आप देख रहे हो, और पूरे पहाड़ों के ऊपर बसा हमारा भगवान शिव का मंदिर, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। तो फिलहाल गाइस फाइनली हम लोग शिवलिंग के एकदम सामने खड़े हैं, और वो रहा शिवलिंग और ये रहा भगवान शिव का मंदिर। देख रहे हो कितनी बड़ी मंदिर है और क्या वहाँ पे देखो डिज़ाइन बनी हुई है, और यहाँ पे देखो पंडित जी लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे पूजा करने के लिए बनाया गया है दो ठो, देख रहे हो, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर तो ये रेस्ट ले रहा है। तो फिलहाल कुछ ऐसा है मंदिर, और इसके और एक खासियत के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप मेरे पीछे जो भगवान शिव की शिवलिंग देख रहे हो ना, इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस और बहुत बड़ी एक खासियत है कि इस पूरे शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर के द्वारा बनाया गया, यानी एक बड़ा सा पत्थर है जिसे काट कर इस शिवलिंग को बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 18 फीट है और इसका जो डायामीटर है ना 7.5 फीट है एक्चुअली। तो फिलहाल गाइस जो ये मंदिर है उसका ये जो आधा पोर्शन नहीं बना है ना ऊपर में, मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मंदिर का आधा पोर्शन था ऐसे बनने वाला था। फिलहाल देख सकते हो अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, द इंग्रेव्ड लाइन ड्राइंग। भगवान शिव का मूर्ति यानी शिवलिंग देख रहे हो कितनी बड़ी है भाई, कितनी ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं लोग, प्रसाद चढ़ाई गई है, काफ़ी बड़ी है भाई। रुद्र भाई कितनी बड़ी है, इसकी पिलर देखो आप, 1 2 3 4, दूर से इतना लग रहा था तब भी बड़ा ही दिख रहा था, लेकिन सामने से तो और भी बड़ा दिख रहा है। तो आप सोचो कि हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, जो कारीगर थे, कितने आला दर्जे के कारीगर थे कि एक बड़े से पत्थर को काट कर एक पूरा शिवलिंग बनाया गया है। आपको वीडियो में भले थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप आते हो और देखोगे ना कि ये कितना बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो देखो आपकी मेरी हाइट जो है और इस शिवलिंग की हाइट देखो, मैं इस शिवलिंग के कितने हाइट तक आ रहा हूँ, एकदम बहुत कम ना, और शिवलिंग दिखाओ एक बार कितना ऊपर में, और मैं श्री यानी इस यहाँ तक भी टच नहीं हो रहा है, देख रहे हो इतनी बड़ी शिवलिंग है, मुझे ऊपर देखने के लिए एकदम अपने गर्दन को ऊपर करना पड़ रहा है, तब जाके मुझे शिवलिंग दिखाई दे रही है। भाई पिलर देखो मंदिर की कितनी ऊंची, और वो देखो वहाँ पर कितना ऊंचा है, और शिवलिंग देखो कितना ऊंचा है, मैं आपको सही से शिवलिंग का मेन टॉप भी नहीं देखो, वहाँ पे देखो अब जाके दिख रहा है, यहाँ पे देखो पिलर में कैसे पत्थरों को काट कर ये डिजाइन बनाया गया, देख रहो डिजाइन ही डिजाइन है, यही डर लग रहा है, लंगूर देख रहो कैसे यहाँ पे देखो कैसे चढ़ जा रहा है, वहाँ पे है और एक अंदर भाग गया, अब देखो वो देखो जंप कैसे कर रहा है, वहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे लंगूर आ गए हैं, तो यहाँ पे पंडित जी देखिए कैसे भगा रहे हैं बहुत सारे, वहाँ पे देखो ऊपर में टॉप में एक शिवलिंग के पीछे छुप गया, वहाँ पे देखो कैसे छिपा हुआ है अपने बच्चे को लेकर। को डर लग रहा था कहीं मोबाइल छीनने के लिए ना आ रहा हो, लेकिन पंडित जी ने बोला कि नहीं मोबाइल नहीं छीनते हैं, ऐसे ही अंदर में आते हैं, यहाँ पर शायद अच्छा लगता होगा, भगवान भोलेनाथ इधर पे ही हैं, लेकिन फिर भी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मन काफ़ी शांत हो रहा है। आप यहाँ पे आके ना बैठ के आराम से जाप भी कर सकते हो भगवान शिव की। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, देख रहे हो यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर देखो तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, और मंदिर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है सामने का देख रहे हो, और यहाँ पे लंगूर तो सभी को परेशान कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख ले लिया ना, वहाँ पे देखो छीन लिया उसने, खाने का जो चीज़ था ले लिया उसने बच्चे यहाँ पे डर रहे हैं, डर लग रहा है वहाँ पे देखो वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे लंगूरों ने आतंक मचा दिया है, देख रहे हो कैसे जंप कर रहा है। और गाइस भगवान शिव के इस मंदिर के और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो आप जो ये रास्ता देख रहे हो यहाँ पे जो ढलान नुमा रास्ता बना हुआ है, जो ये रास्ता आप देख रहे हो ना, कहा जाता है कि इसी रास्ते के जरिए भगवान शिव की जो बड़ी सी शिवलिंग है चढ़ाई गई थी, और कहा जाता है कि इस दुनिया में ऐसा ही कोई टेक्निक होगा जिस टेक्निक से भगवान शिवलिंग की इतनी बड़ी मूर्ति को चढ़ाया गया था एकदम पर्वत के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है गाइस यहाँ पे, यहाँ मेरा जो छाता है ना उल्टा हो गया था अभी अचानक से,
तो कुछ ऐसा भी था भगवान शिव के मंदिर का, और शिवलिंग आपने देखा ही होगा कितनी बड़ी शिवलिंग थी। मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी शिवलिंग देखी होगी। शायद केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो भी काफी बड़ी है, लेकिन इसकी जो शिवलिंग है देख के बहुत ही सुकून मिला मन को। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी आओ भगवान शिव के दर्शन करो, और इतनी बड़ी शिवलिंग को देख के ना आप भी एकदम खुश हो जाओगे। तो फिलहाल गाइस हमने मंदिर देख लिया और मैं नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे हमारी टेम्पो खड़ी है जहाँ से हम लोग टेम्पो लेंगे और फिर वापस जाएंगे घर की तरफ। घर की तरफ नहीं, वहाँ से बस भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो ट्रांसपोर्टेशन आपको लेना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए, यानी भोजपुर मंदिर के पास आने के लिए। पहले आपको भोपाल सिटी से बस लेना होगा, वहाँ से लेने के बाद 32 किलोमीटर दूर आने के बाद बस आपको एक जगह पर उतार देगा, फिर उसके बाद वहाँ से आप टेम्पो पकड़ लेना। टेम्पो जैसे मैंने लिया 20 रुपीज़ लेगा और आपको डायरेक्ट भोजपुर मंदिर के पास में उतार देगा जहाँ से आपको चढ़ना होगा। तो आई होप गाइस कि आपको ब्लॉग पसंद आई होगी, और मेरा भोपाल ट्रिप बहुत ही मज़ेदार हो रहा है, तो आप सभी को मेरा भोपाल ट्रिप काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी भोपाल के और भी जगहों पे जाके ब्लॉग बनाऊंगा, और हो सकेगा तो जबलपुर भी जाऊंगा, क्योंकि जबलपुर में भी काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट है। तो आपको ऐसे ही मध्य प्रदेश के अच्छे अच्छे जगहों पे जाके मैं ब्लॉग बना के आप सभी को दिखाते रहूंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से एक नए मज़ेदार जगह के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए यानी और इंटरेस्टिंग जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।